तो वहीं छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने इनका महंगाई भत्ता 280 रुपए बढ़ा दिया है। अब अकुशल श्रमिकों का वेतन जो है 10,900 रुपए हो जाएगा, अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 11,550 हो जाएगा, कुशल श्रमिकों का वेतन जो है 12,330 रुपए होगा। तो वहीं उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 13,110 रुपए हो जाएगा। दीपक बैज के बयान पर वन मंत्री का पलटवार सामने आया है। नक्सलियों को निर्दोष बताने पर उन्होंने हमला बोला। वन मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा। बस्तर में हुई मौत में कांग्रेस नेताओं का हाथ है, ये भी कहा। बस्तर के कई जगहों पर आम लोगों की मौत हो गई, उसमें कांग्रेस नेताओं का हाथ रहा है। पखांजूर नारायणपुर की घटना को नहीं भूले। बीजेपी प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करेगी, ये बड़ी बातें कही गई है और साथ ही साथ निशाना भी साधा गया। पखांजूर की घटना को ना भूले। असीम राय को जो कहते हैं हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उनको मारने में कांग्रेस के पदाधिकारी का हाथ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार इस पर जांच पड़ताल करके ऐसे जो दोषी लोग हैं उनको तत्काल जेल का रास्ता दिखा रही है। कानून से कोई बच नहीं सकता। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार लगातार हमारे पूरे क्षेत्र को भयमुक्त बना रही है। छत्तीसगढ़ में कोई गैंग नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आहट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। दो दिन पहले झारखंड के अमन साहू गैंग के 4 शूटर्स को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन बदमाशों के निशाने पर एक बड़ा व्यापारी था। बताया जा रहा है कि शूटर्स के तार सलमान खान के घर पर फायरिंग करके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं। कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो के फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। गुजरात के राजकोट में हुए गेमिंग जोन हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने रायपुर के गेमिंग जोन का रियलिटी चेक किया, जिसके बाद राजधानी के फायर सेफ्टी विभाग ने गेमिंग जोन में फायर सेफ्टी की जांच की और इसी दौरान खामियां पाए जाने पर 3 बड़े गेम जोन को नोटिस भी भेजा है। हम राजधानी के गेम जोन में पहुंचे हैं, जहां हम यहां की सुरक्षा व्यवस्था, यहां की सेफ्टी व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि यहां किस तरीके से व्यवस्था की गई है। यहां के प्रबंधन से हम बात करेंगे और यहां की सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि बच्चे आखिर आते हैं, जब लोग आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगी, जिसकी चपेट में आए 28 लोग काल के गाल में समा गए। राजकोट में हुए हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गेमिंग जोन में सुरक्षा की पड़ताल की। फर्स्ट तो हमारे ये दो जहां से आपने एंटर किया है वो एंटर था एक, सेकंड ये है सर। इसके अलावा गो कार्ट में अगर कुछ इंसिडेंट होता है वहां के लिए भी एग्जिट पॉइंट है सर। इसके अलावा एक सामने यहां एक एग्जिट पॉइंट है और लास्ट सर अगर ट्रैम्पोलिन में इवन कभी कुछ ऐसा होता है, चांस तो नहीं है कि होगा, बट लास्ट में भी एक इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट है सर, वहां से हम सारे गेस्ट्स को एट द मोमेंट यहां से बाहर करा सकते हैं। कहां पे लगाया हुआ है फायर सेफ्टी के लिए सर? हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारी जगहों पे हमने फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अलावा फायर हॉल यहां लगाया, एक यहां पे लगा हुआ है सर। इसके अलावा गोकार्ट में भी बाहर पे लगा हुआ है सर, और आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ फायर हॉल भी लगा हुआ है सर। ये यहाँ पे सर एक अंदर में लगा हुआ है ट्रैम्पोलिन के अंदर। इसके अलावा आप वॉकवे में जहाँ से आए होंगे उधर भी है और एक बाहर के एरिया में भी है सर। फर्स्ट फ्लोर में भी फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर होज लगा हुआ। न्यूज 18 की टीम के रियलिटी चेक के बाद राजधानी का फायर सेफ्टी विभाग भी जागा और रायपुर में संचालित 20 से अधिक गेमिंग जोन में फायर सेफ्टी की जांच शुरू की। इस दौरान शहर के 3 बड़े गेमिंग जोन में खामियां पाई गई, जिन्हें फायर सेफ्टी विभाग ने नोटिस भी जारी किया और तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी है। अभी हमने रायपुर का जो गेम जोन है उसका हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के द्वारा विजिट किया गया है। यहाँ रायपुर में हमने 3 गेम जोन का विजिट किया है, रिबाउंस, पुनो और किंगडम ऑफ जॉय।
वहाँ जो फायर सिस्टम लगाया गया है उसमें कुछ फायर सिस्टम की कमियां थी, उनको निर्देशित किया गया है कि आप सारे फायर सिस्टम वहाँ लगाएं। गुजरात के राजकोट हादसे से सबक लेते हुए रायपुर फायर सेफ्टी विभाग ने गेमिंग जोन में सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है और खामियां पाए जाने पर उन्हें ठीक करने की हिदायत के साथ कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। वही कुछ ऐसे भी गेमिंग जोन है जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दावा तो काफी कर रहे हैं कि यहाँ पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था है, हालांकि प्रशासन को जो राजधानी में कई गेम जोन है उसकी भी पड़ताल करनी चाहिए, उसकी ऑडिट करनी चाहिए ताकि वो कितना सेफ है वो देख सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़।